guys, good morning. Welcome back to my YouTube channel. Today I am talking about my new experience, my new ride, Snowfall ride. This is my first time and first experience. जो सीखने का बहुत कुछ मिला है सोनो का ऊपर राइड, बाइक राइड जो लाइफ में मैं कभी भी नहीं किया. दिस इज माई फर्स्ट टाइम. यस गाइस, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट और इट इज़ वेरी बहुत ही डिफिकल्ट था मेरे लिए, बिकॉज सोनो का ऊपर से राइड मैं पहली बार किया हूँ जिंदगी में. पहली बार सोनो का ऊपर और वो भी -16 डिग्री, -17 डिग्री का ऊपर मैं रोड का अंदर राइड कर रहा हूँ सोनोपल का ऊपर बाइक राइड. ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है लेकिन मैं रियलिटी फील किया एंड माय लाइफ इज़ नॉट एक्सपेक्टेशन, ओनली रियलिटी. जो भी मैं ड्रीम देखता हूँ वो सक्सेस करने की कोशिश करता हूँ डेफिनेटली. You know what is life? Life is beautiful. Vicky, कैसा लग रहा है स्नोफॉल में? एक बार गिरे भी अभी कैसा लग रहा है भाई? एडवेंचरस लग रहा है गिर के? गाड़ी सही सलामत पहुंचना चाहिए खाली. वी आर नाउ अराउंड सरचू लद्दाख. इट्स 11 इन द मॉर्निंग. एक्सट्रीम टफ वेदर कंडीशन नाउ. बस जीने के लिए दिल होना चाहिए, घूमने के लिए दिल होना चाहिए और डेफिनेटली एडवेंचर टूर करने के लिए दम होना चाहिए जो इधर रहता है. अगर जिंदगी में हार गया तो मानो मर गया. दिल से कमजोर मत होना कभी भी. हम लोग जब 15 डिग्री 16 डिग्री में जब राइड कर रहा था हालात बहुत ही खराब हो रहा था, सांस में बहुत दिक्कत हो रहा था, बाइक राइड करना बहुत ही मुश्किल हो रहा था. हेलो गाइस, इट्स अराउंड 11 इन द मॉर्निंग एंड वी आर एट लद्दाख नियर सरचू, 15,000 फीट ऑल्टीट्यूड. इट्स अराउंड -1-2 डिग्री. भाई कैसा लगा मेरे साथ गिर के पहली बार? मजा आया. पहली बार गिर के बहुत मजा आया. और भी होगा शायद 4-5 होगा. बर्फ में गिर के एकदम फुल टू मजा. तो ये हम रियलिटी में फील किया है सोनो का ऊपर से कैसे राइड करना होता है और बार बार गिर के हम लोग सीखा हूँ हाँ किस तरीके से राइड करूँगा तब जाके नहीं गिरूँगा. और मेरे लिए बहुत ही टफ था बट कैसे भी हो कवर कर लिया. आई एम प्राउड माई सेल्फ बिकॉज मैं पहली बार इतना डेंजर रोड, इतना ज़्यादा स्नोफॉल का अंदर में राइड किया. लग रहा इधर ही रहूं भाई. मोरो अरे बाइक भी नहीं जा रहा है. अरे नहीं निकल क्या करूं. लद्दाख नियर सरचू, 14,500 ऑल्टीट्यूड, एक्सट्रीम वेदर. इट्स अराउंड आई थिंक -1 or -2 नाउ. You're enjoying the rides and also having fun. Okay. ऐसी भी जब हम लोग बाइक लेके गया था, मैं तो जयपुर से गया था और तीन बंदे आया था कोलकाता से और एक पुणे से. तो मैं जयपुर से मेरी आरसी लेके गया था मोनाली तक एंड मोनाली से हिमालयन लेके गया था. जो हम लोग जब गया था तब तो स्नोफॉल नहीं था एंड आसपास स्नो नहीं था. काफ़ी वेदर कंडीशन बहुत ही अच्छा था बट उसको बाद में अचानक पता नहीं वेदर कंडीशन इतना बुरा हो गया, इतना डेंजर हो गया. पूरा रात भर स्नोफॉल हुआ एंड स्नोफॉल होके पूरा रोड जाम हो गया.
जैसे कि आप देखा है मनाली, मनाली स्नोफॉल। सो मनाली इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस इन इंडिया। और एक बात मैं बोलना चाहूँगा तो माई ड्रीम प्लेस मनाली में दोबारा जाना चाहूँगा, बिकॉज मैं जितना भी टूर किया है काफ़ी प्लेस में काफ़ी हिल स्टेशन घूम चुका हूँ। मनाली इज़ द बेस्ट एंड बेस्ट प्लेस मेरे लिए। तो रात को जैक है इधर, जैक को भी हालात बहुत खराब हो गया था। भाई जैक भाई, इंडियन आर्मी के लिए कुछ बताओगे क्या? यहाँ पे हम लोग रात में फंस गया था, कोई दीवार नहीं था, कुछ नहीं था, हम लोग इंडियन आर्मी कैंप में रह गया था। यहाँ पे बहुत अच्छा हेल्पफुल पर्सन है बहुत ज्यादा, इन्होंने कभी देखा भी नहीं थे ये लोग कैसे रहता है। इधर है देखो, हम लोग एक दिन घर पे बात नहीं कर पाए, हम हमारा दिल तड़प रहा है, हाँ घर पे बात नहीं कर पा। एक ये लोग क्या करता है, मायने का मायने चल जाता है बस। ये देखो बरफ जम के क्या हो गया, सुबह सुबह चारों साइड में इधर उधर, पूरा रात भर स्नोफॉल हुआ एंड स्नोफॉल होके पूरा रोड जाम हो गया। जाम होने के बाद में हम लोग तो उधर दो दिन तीन दिन उधर ही फंसा हुआ था, और काफ़ी हेल्प मिला इंडियन आर्मी को, जो मैं अभी भी सैल्यूट करूँगा एंड उसको थैंक यू बोलना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने इतना अच्छा काम किया। अगर शायद हम लोग रात में अगर उधर फंसा हुआ रहता, उधर अगर कोई मदद नहीं मिलता, हेल्प नहीं मिलता, तो शायद हम चारों को चारों डेड हो जाता। और जो भी है मैं दोबारा थैंक यू बोलूँगा, थैंक यू सो मच इंडियन आर्मी, और जो काम कर रहा है बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। एंड गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करना, एंड प्लीज़ फॉलो मी, फॉलो माई इंस्टाग्राम, फॉलो माई यूट्यूब चैनल, एंड लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर न्यू अपडेट्स। एंड एक बात है, आई एम नथिंग विदाउट योर लव, विदाउट योर सपोर्ट, सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।